कोरोना संकट के बीच आगे आई है प्रदेश की न्यायपालिका। राजस्थान हाईकोर्ट के सभी जज देंगे 50,000 की मदद। मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई जाएगी सहायता। कोरोना को लेकर सीजे इंद्रजीत महंती ने की पहल। हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने भी इस नेक कार्य में दी तुरंत सहमति। सीजे इंद्रजीत महंती की पहल, जिसमें सभी न्यायाधीशों ने दी सहमति। हाईकोर्ट प्रशासन को सभी जज भेज रहे अपने अपने चेक। तो कोरोना संकट के बीच अब प्रदेश की न्यायपालिका भी सामने आई है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट के सभी जज देंगे 50,000 की मदद। मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई जाएगी ये राशि। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जब जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष में जो फंड है वो दिया जा रहा है, ताकि इस संकट से राज्य को, देश को उबारा जा सके। और निजाम कंचालिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। निजाम, ये बहुत बड़ी राहत की खबर, जहां कोरोना संकट से प्रदेश देश जूझ रहा है, ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन भी आगे आया है, कितनी बड़ी राहत होगी ये? दर्शक देखिए कि जिस तरीके से कोरोना संकट के खिलाफ या कहीं कोरोना की जंग में हर कोई अपनी मदद दे रहा है, हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसे में प्रदेश की और देश की न्यायपालिका लगातार अपने प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में अब कहें, कल जैसे कि प्रदेश के जो राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महंती, उन्होंने कल ही अपना संदेश जारी किया था। और आज जो हमारे पास सूचना आ रही है उसके अनुसार जो राजस्थान हाईकोर्ट के सभी जज हैं, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती सहित सभी जो जज हैं, तो वो सभी अपनी ओर से एक तरह से मुख्यमंत्री सहायता कोर्स में एक बड़ी मदद करने जा रहे हैं। वो अपने जो कह सकते हैं वेतन का एक बड़ा पार्ट जो है वो मुख्यमंत्री सहायता कोर्स में जमा करने का प्रयास आज या कल में ये कर सकते हैं। अभी सभी जगह से सभी जो जज हैं, हाईकोर्ट के सभी जज हैं, वो एकत्रित कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका है उन्होंने भी अपने 5 दिन का वेतन जो है वो मुख्यमंत्री सहायता कोर्स में दिया था। यहाँ तक की राज्य मानवाधिकार आयोग भी आगे आया था। ऐसे ही सभी आज जो जजों की ओर से आगे आने का एक बड़ा कह सकते हैं समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा, और एक बड़ी पहल भी कह सकते हैं जो हाईकोर्ट की कह सकते हैं हाईकोर्ट के जजों ने शुरू की है। और देखें जैसे तो पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज हैं उन्होंने प्रत्येक जज ने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी, और अब राजस्थान हाईकोर्ट के जजों ने अपने यहाँ जो हमारे पास सूचना आ रही है उसके अनुसार 50,000 रुपए सभी जज जो हैं मुख्यमंत्री सहायता को उसमें आज कल ये जमा करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं सकारात्मक पहल है। और हमें कितनी की राशि आएगी निजाम, कहीं ना कहीं ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी समर्थवान लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, अपना दान दे रहे हैं, और इससे बहुत बड़ी मदद भी हो रही है सरकार को इस संकट के वक्त में। बिल्कुल, मेरे से देखिए कि ये मदद भी हो रही है सरकार को, लेकिन अगर ज्यूडिशरी के लोग आगे आते हैं तो एक बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि अगर आप बात करें किसी तरीके से सामाजिक संगठनों का, वो अगर आते हैं तो इनके साथ ही ज्यूडिशरी के लोग जब आगे आते हैं तो एक बड़ी प्रेरणा का संदेश पूरे समाज में जाता है। और दूसरे जैसे मैंने हम लोगों ने कल ही बताया कि जस्टिस जेके राता, जिनकी प्रेरणा मात्र से ही करीब 2 संस्थाओं ने 1.5 करोड़ से ज्यादा का जो मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं प्रेरणा देना भी एक बहुत बड़ी बात है। और कह सकते हैं आज जो राजस्थान हाईकोर्ट के जज सामने आए हैं उससे एक बड़ी और बड़ा संदेश जाएगा, और जो मुख्यमंत्री कोष में सहायता कर रहे हैं लोग उनको और उनको प्रेरणा मिलेगी, और मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो जमा कराने वाले लोग हैं, जो सहायता देने वाले लोग हैं, वो और आगे आएंगे।